बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। AFNS की टेस्ट प्रिपरेशन में आपको खुशामदीद करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों का है कि क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, आप लोगों ने टेस्ट वाले दिन अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अगर कोई भी एक ओरिजिनल चीज़ मिसिंग हुई तो आपको टेस्ट नहीं देने देंगे। रिटन टेस्ट से पहले आपने ओरिजिनल लेकर जाने हैं। इसके बाद आपने साथ लेकर जानी है 300 रुपये फ़ीस। ठीक है, ये उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, सब ने देनी है। और अगर आप अपने साथ ग्लव्स, शॉपर वाले जो ग्लव्स होते हैं वो, और मास्क नहीं लेकर जाते तो आपको वहाँ पर 100 रुपये लेकर ये दोनों चीज़ें दी जाएंगी। तो अगर आप ले जाते हैं तो आपका 100 रुपया नहीं लगेगा, अगर आप नहीं ले जाते तो आपको 100 रुपये वहाँ पर देना पड़ेगा। और शॉपर वाले ग्लव्स और उसके साथ आपको मास्क दिया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 300 रुपये फ़ीस और ग्लव्स और मास्क लेकर जाना है। और वहाँ पर आपको जो टेस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपने तैयारी कहाँ से करनी है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, आपको तैयारी आएगी 3 किस्म की। पहले होगी एकेडमिक। एकेडमिक में आपने कहाँ कहाँ से तैयारी करनी होगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उसके बाद फिज़िक्स और इंग्लिश। ठीक है जी, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मैं एक समझा देता हूँ, बाकी आपने इस वेबसाइट पर आकर सारा प्रोसेस देख लेना है। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने करना क्या है, बायोलॉजी के ये चीज़ें तैयार करनी होंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी। इस तरह से मैंने पूरे आपको सेक्शन बता दिए हैं कि बायोलॉजी में आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। इस तरह से आप देखें फिजिक्स का भी सेक्शन बना हो, इसका भी सेम चीज़ है, एंड सो ऑन। तो आपने करना क्या है, तैयारी के लिए ये हर सब्जेक्ट के अंदर मैंने इस तरह का लिंक दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आपने इस लिंक को करना है यहाँ पर कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में न्यू टैब खोलना है। उस टैब के टॉप पर आपने इसको वहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास वो गूगल ड्राइव में, PDF में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप इनको डाउनलोड करें, इनकी प्रिपरेशन करें, जैसे आपकी मर्जी है वो करें। देखें ये बायोलॉजी की आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह से मैंने फिजिक्स के भी ओपन करके रखी हुई हैं। ये सैम्पल पेपर डोगर ब्रदर्स से लिए हुए हैं, तो आपका ये मसला तैयारी का हल हो गया। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हम देखते हैं आपके ये तो हो गए एकेडमिक। ये देखिए हम मैंने हर चीज़ के साथ लिंक दिया हुआ है, इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं तो उनके भी लिंक्स दिए हुए हैं। ये आपने जिस चीज़ का आपको मसला हो वो आपने तैयारी कर लेनी है। अब आ जाते वर्बल नॉन वर्बल की। तो वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी आपने यहाँ से देखकर तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पर भी आपने क्या करनी है, अपनी तैयारी कर लेनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आपको लोगों के लिए अभी अहम नहीं है। आपने बस करना क्या है, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, रिटन टेस्ट देने हैं, और जिनका रिटन टेस्ट हो जाएगा उनका फिजिकल भी होगा। अब फिजिकल नहीं, मेडिकल, फिजिकल नहीं होना इसमें, आपका मेडिकल ही होगा। अब याद रहे, अगर आपका रिटन टेस्ट जल्दी हो जाता है, आप टाइम पर पहुंच जाते हैं, तो आपका उसी दिन मेडिकल ले लिया जाएगा, वरना आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो कोशिश करनी है आपने जल्दी जाएं, ताकि वहां पर आप जल्दी से टेस्ट में बैठें, और जल्दी टेस्ट में बैठने के बाद आपका मेडिकल भी जल्दी हो। टाइम कोई मखसूस नहीं है, सुबह 8 बजे से काम शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चे वहां पर 6, 7 बजे, 5 बजे भी पहुंच जाते हैं, ताकि जल्दी उनका रिटर्न हो और एक ही दिन में उनका मेडिकल भी हो जाए। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आपने वहाँ पर जाकर करना क्या होगा। आपने वहाँ पर एंटर होना है मेन गेट के थ्रू। अपने मोबाइल वगैरह वहीं पर जमा करा देने, अगर आपको कोई साथ होगा तो उसको दे देने हैं। अंदर दाखिल होने के बाद आपने अपनी वेरिफिकेशन कराने, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर आपने वेट करना अपनी बारी का, कि आपको कब बुलाया जाता है रिटन टेस्ट में। कंप्यूटर में याद रहे, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं वर्टिकल, इस तरह आपने देखना है गौर से, वहाँ पर ही आपने देख के करना है कि आपके ऑप्शन किस तरह के, नंबरिंग वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, 1, 2, 3 इस तरह है, या फिर 1 यहाँ पर है, 2 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 4 इस तरफ है। आपने ध्यान से ऑप्शंस को भी और MCQs के क्वेश्चंस को भी देखना है कि वो तरतीब वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। ज़्यादातर वर्टिकल होती है, लेकिन आपने खुद वहाँ पर बैठ कर डिसाइड करना है। ये आपकी प्रिपरेटिंग मटेरियल भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या लेकर जाना है और कहाँ जाना है, ये बात रहेगी, क्या क्या लेकर जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कहाँ जाना है, आप जाएंगे अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर जैसा कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर करते हैं गूगल। ठीक है जी, गूगल में आप लिखेंगे ज्वाइन पाक आर्मी, .gov.pk यहाँ पर आपको नज़र आ रही है।
joinpakarmy.gov.pk और पीके पर आने बाद आप यहां पर आज क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहां पर मेन पेज पर नजर आएंगी कुछ लिंक्स जो कि हमेशा की तरह उनके मेन वेबसाइट पर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मेन लिंक्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें जी नर्सिंग सर्विसेज, यहाँ पर फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हियर, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना सीएनएससी पुट करेंगे, यहाँ पर फादर गार्डियन का सीएनएससी पुट करेंगे। ये कैप्चा जो आपको नज़र आ रहा है इसको आपने इसके अंदर लिखना है। इसमें लिखने के बाद आपने कर देना है चेक स्टेटस पर। जब आप करेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी स्लिप शो हो जाएगी। उस स्लिप में आपका लिंक बताया होगा कि आपने किस सेंटर पर पहुँचना है, वहाँ पर आपका सारी चीज़ दी हुई होगी। ठीक है जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आपकी जो भी मैं इंस्टेंट अपडेट्स करता रहूँ वो फ़ौरन आपको मिलते रहे। उसके क्या तरीका है, ये आपको बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे जो भी होगा आपका, वो पुट करने के बाद आपने कर देना है गेट ईमेल नोटिफिकेशन पर यहाँ पर क्लिक, तो आपका यहाँ पर मसला हल हो जाएगा। सब्सक्राइब वाला भी आपको हर बार लिंक में नहीं पहुँचाता रहूँगा। आप क्या करेंगे, जैसे मैं कोई चीज़ यहाँ पर अपडेट करूँगा आपको ईमेल आ जाएगी और आप वहाँ पर आकर स्टडी कर सकेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर आकर आपने करना क्या है, कोई भी टेस्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है फुली सॉल्व टेस्ट नंबर 1, यहाँ पर आप करेंगे क्लिक। जैसे डबल क्लिक करना है, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपने जूम कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ अबाउट स्ट्रक्चर मोड ऑफ ट्रांसमिशन लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडीड इन, तो ये ज़ाहिर है पैरासाइटोलॉजी बनेगी। तो इस तरह से आपने देखना है, ये सारे आपको MCQs नज़र आ रहे हैं। 14 MCQs हैं जी, 16 तक MCQs आपको दिए हुए हैं। तो आपको अगर किसी का जवाब नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बैक पर क्लिक करना है। अगर आपने डाउनलोड किया हो तो वेल एंड गुड। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं पेज, आखिरी पेज दो पेज, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे जवाब नज़र आ रहे हैं। कुछ इस पर भी हैं, ये 10th पेज पर, ये देखें यहाँ पर। तो अब आप देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, तो ये आपको ऑप्शन साथ के साथ जवाब भी दिए हुए हैं। अब दूसरा सवाल है उसका जवाब बी है, तीसरा है उसका जवाब ए है, किसका, फुली सॉल्व टेस्ट 1 का। ठीक है, तो हम देखें टेस्ट 1 का जो दूसरा और तीसरा सवाल है वो कौन सा है। ये बायोलॉजी वाले पेज पर आ गए, डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आप देखेंगे डबल क्लिक के बाद ये फुली सॉल्व टेस्ट 1 है। तो दूसरा सवाल है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजली कंबाइंड टू फॉर्म कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बी जवाब ठीक है इसका। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच आर बायोलॉजिकल एक्टिव इज हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो मिल जाएंगे, आपने इनको तैयारी करनी है। और याद रहे अगर आपको कोई मसला अभी भी दरपेश आ रहा है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप तसल्ली से सुकून से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं आपको उनका रिप्लाई करूंगा और रिप्लाई करने के साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपके मसाइल भी हल कर सकूं। बाकी मदद रहे अल्लाह की। ठीक है जी, ये बात रह गई थी, मैंने अल्लाह से पहले बोल दिया था, तो ये बात बताना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी था, तो इस बात पर भी आपने फॉलो करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।